शांति। यस, ये कितना सुंदर महावाक्य है जो हमारा वास्तविक अनुसंधान कराता है। आप सब अनुसंधानक यहां पहुंचे हैं और इस महामंत्र से आप अपना स्वयं का अनुसंधान करते हैं। जितनी बार इसका उच्चारण करते हैं उतनी बार इसका सुख आपके जीवन में ही नहीं अपितु आपके इर्द गिर्द भी एक ऑरा तैयार करता है। करता है कि नहीं करता है? जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसे आप किरणें फैलाते हैं। तो आइए आज की इस संध्या को खूबसूरत बनाने के लिए मैं विशाल आप सभी के बीच में आज की इस सांस्कृतिक संध्या का आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। यदि आप जोरदार तालियों से मेरा उत्साह बढ़ाएं तो मैं आज की इस संध्या की शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत एक गीता के श्लोक से आरंभ करना चाहूंगा और उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा एक छोटी सी नन्ही बहन जो आई है मुंबई IIT पवई से। आप जरा तालियों से उसका आवाहन कीजिए। अन्विता मिश्रा गीता के श्लोक लेकर के हमारे बीच पधार रही है। नमस्ते, मेरा नाम अन्विता मिश्रा है और आज मैं आपके सामने गीता का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धा त्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धा सहैव सः, यजन्ते सात्विका देवां, यक्षरक्षांसि राजसा, प्रेतां भूतगणांशान्ये, यजन्ते तामसा जना, अशास्त्रविहितं घोरं, तप्यन्ते ये तपोजना, दम्हाहंकार संयुक्ताः, कामरागबलान्विता। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सप्तदशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही मजेदार। संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, ये तीनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और इस आवाज के साथ अगर संस्कृत के श्लोक सर्वशास्त्रमयी गीता से उद्गृत हो तो ये कहना पड़ेगा कि पाकीजगी इस आवाज की मैं क्या बयां करूं, पाकीजगी यानी पवित्रता इस आवाज की मैं क्या बयां करूं। फरिश्ते जो चुपचाप से सजदे किया करें, बजाइए ताली, ताली बजाने में कतई कंजूसी ना करें। बहुत सुंदर आपने श्लोक सुनाए अन्विशा, अन्विता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके बीच अनुसंधानकों के बीच अनुसंधान के लिए एक कविता पाठ लेकर आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर योगिता पी चौधरी जी। मैं आमंत्रित करूंगा आपकी तालियों के सहयोग से कि आइए आओ नया अनुसंधान करें, कविता पाठ आप करें हमारे बीच। ओम शांति। इस पवित्र भूमि में 3-4 दिनों से आने के बाद जब हम सब भाई बहने यहाँ आए थे तो अनुसंधानकर्ता बनकर हम यहाँ आए थे और अनुसंधान हमने जो किया है वो विज्ञान में किया होगा या हमने एजुकेशन में ये अनुसंधान किया होगा, मगर अब 2 दिनों के बाद हम जब यहाँ से जाएंगे तो अनुसंधानकर्ता
होकर भी हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, यह मैंने अपने काव्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। काव्य का नाम है आओ नया अनुसंधान करें। विज्ञान के पुजारी हम अध्यात्म को प्राप्त करें, विज्ञान के पुजारी हम अध्यात्म को प्राप्त करें, विज्ञान में अध्यात्म, अध्यात्म में विज्ञान खोज कर आओ नया अनुसंधान करें, आओ नया अनुसंधान करें। अनुसंधानकर्ता का रोल, अनुसंधानकर्ता का रोल इस जीवन रूपी ड्रामा में साकार करे, आत्मा की पहचान करके आओ नया अनुसंधान करे, आओ नया अनुसंधान करे। शांति सुख आनंद प्रेम, शांति सुख आनंद प्रेम के साथ ही ज्ञान पवित्रता शक्ति का स्वागत करे, आत्मा में इन सात गुणों को लाने आओ नया अनुसंधान करे, आओ नया अनुसंधान करे। आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं सत्यता की खोज करे, आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं सत्यता की खोज करे, राजयोग की प्राप्ति करने आओ नया अनुसंधान करे, आओ नया अनुसंधान करे। सतयुग से कलयुग का चक्र समझने का प्रयास करे, सतयुग से कलयुग का चक्र समझने का प्रयास करे, कलयुग के वासी हम सतयुग का निर्माण करे, सतयुग का निर्माण करे, आओ नया अनुसंधान करे। और ये जो लास्ट है वो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के लिए, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर की पहचान करे, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर की पहचान करे, सुप्रीम पावर से मिलने, हाँ सुप्रीम पावर से मिलने आओ नया अनुसंधान करे, आओ नया अनुसंधान करे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों का संयोजन किया, भारी तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए आप। जिस तरह की ये पुकार कर रही थी उससे तो ये बनता है कि है हौसला कि वो मंजर भी आएगा, जब प्यासों के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ जाना मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा आ रहा है ना मिलने का, जिस जगह पर आप आए हैं ये उस मंजिल का इशारा है, यहाँ से उस जगह का नज़ारा है जिसके लिए हर एक आत्मा की आवाज़ है अंदर की। अनुसंधान करके हम निकलेंगे एक मैजिक शो की तरफ। रेडी हैं आप? तो जादूगर को जरा जादूगर भरी तालियों से आमंत्रित कीजिए, हमारे चंद्रकांत भाई ज्ञान सरोवर के, बहुत सुंदर एक मैजिक लेकर के हमारे बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। ओम शांति। Thank you.
देगा, स्कूल नहीं जाओगे उल्टा लटका देगा, अगर झूठ बोलोगे तो गंजा बना देगा, मम्मी को सताओगे चूहा बना देगा, सच्चों का यार बनेगा वो, अच्छों का यार बनेगा वो, कर लेगा जिससे दोस्ती, ए जान भी दे देगा वो। आओ बच्चों आ गए बच्चन, गिल गिल
पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11 लास्ट आइटम करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल जादूगर का जादू हाथों का कमाल है करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11 जादूगर साहब अभी पिक्चर बाकी है। अरे भाई तालियां इतनी कमजोर ना करें। राजस्थान में पानी बहा दे इस तरह। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच चंद्रकांत भाई, बहुत भरपूर तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए आप। आपने जो पानी की बरसात की है उसी बरसाती तालियों से आपका हम अभिनंदन करते हैं। कमाल के आप जादूगर हैं और हम सब जानते हैं कि जादू वास्तव में कुछ होता नहीं है, विज्ञान कहीं ना कहीं इसमें काम करता है। विज्ञान के साथ जब अध्यात्म का समावेश होता है तो जीवन के परिवर्तन का जादू जरूर दिखाई देता है, जीवन बदल जाता है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी पलक को आपकी भरपूर तालियों के बीच, क्योंकि इतना खूबसूरत नृत्य वो करके करेगी आपके सामने कि आप दांतों तले उंगलियां दबाए बगैर रह नहीं पाएंगे। जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए कुमारी पलक अंबरनाथ मुंबई से, गीत लेकर के आ रही है, नृत्य करेंगी जिस पर कान्हा माने ना। ऊंची डोरियों पे बांधो रे गगर पर ना माने ना कान्हा माने ना। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे गगर पर ना माने ना कान्हा माने ना। जग जो बिछाए हर जाल काट ले, मक्खन चुराए हर माल छाट ले, मुरली से करे ऐसी ट्रिक टिक टिक टिक, पन घट की है बड़ी, पन घट की है बड़ी कठिन डगर पर
खूबसूरत नृत्य था, मजा आया आपको? कितना मजा आया। ये कहती है कि अकाम है मुझको तेरे ऊंचे मकाम से, मेरा मुकाबला है फकत आसमान से। ये आसमान से मुकाबला करने चले हैं तो ये जाहिर है कि इनके पीछे कोई आसमान रूपी आसमानी ताकत है जिसके लिए, जिससे ये जुड़े रहते हैं। यही अनुसंधान है, यही योग है, यही साधना है और यही विज्ञान है। चलिए अब मेरा स्वागत कीजिए, मैं आपके बीच में कुछ 6 आवाजें पेश करूंगा, गाऊंगा गीत और आपको अलग अलग 6 आवाजों का अनुभव कराऊंगा। इतनी कमजोर तालियां। जो मिल गए ओ ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां दूर हमसे देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है होता है ये भी के जमी से भी कभी आसमान मिल गया, के जहां मिल गया।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हल्की हल्की तालियां बजाएं तो मुझे लगे कि आपको पहुंच रहा है। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है ढलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ये अभी तक आपने मोहम्मद रफी और कुमार सानू का अंदाज सुना था, अभी मैं किशोर कुमार और कहीं आशा भोसले को लाऊंगा। मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, अब तालियां बजाएं जरा। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
ये आप सभी को गाना है मेरे साथ। पल का छा कर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये कार्यक्रम असल में हमारे नितिन भाई का था, ये उनकी जगह मैं भरने की कोशिश की है। बहुत सुंदर मेल फीमेल की आवाज़ में वो गाते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं गाता, परंतु उनका नाम था तो मुझे याद आया कि कुछ कर जाऊं ताकि आपको याद भर कर आए। नितिन भाई के लिए तालियां बजाइए। और अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी जया को। जया ही आएंगी ना, आइए जया के लिए जोरदार जया वाली तालियां बजाइए। इंटरनेशनल कलाकार है, बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं।
मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, मैं तो रंगी हरी हरी के रंग राज से गुलाबी लाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल। अद्भुत अप्रतिम बहुत ही सुंदर नृत्य। घाटकोपर सब जोन अंबरनाथ से ये कुमारी हमारे बीच में ये नृत्य लेकर के आई थी। आनंद आया आपको? कृष्ण की अलग अलग चार लीलाओं का इन्होंने यहाँ पर नृत्यांकन किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। चलिए अब एक बार मैं आपको लिए चलता हूँ उत्कल प्रदेश की तरफ। मेरा साथ दें आप तालियों के साथ और आमंत्रित करें एक बहुत ही सुंदर ओडिसी नृत्य को जो लेकर के आ रही हैं कुमारी पल्लवी राउरकेला उड़ीसा से। पहले उसके बारे में पीछे से एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, उसका थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद कलाकार धीरे धीरे यहाँ पर आपके बीच प्रस्तुत होंगे। Pallavi literally means blossoming. It's an item of nritya or pure dance.
The essential melody of the raga blossoms forth into manifold elaborations. The steady beat of the tala slowly rises in ever greater levels of complexity to a dazzling pace. Graceful and lyrical movements of the eyes, neck, hands, torso, and feet build one upon another to climax in an exhilarating crescendo. Shankaravaranam Pallavi, Rag, Shankaravaranam, Tala, Ekatali, dance choreography by Padma Bhushan Gurusri Kelucharan Mahapatra, music composition by Pandit Bhuvaneshwar Mishra, performance by Devashree Prashanti and Ankita, disciple of Sangeet Natak Academy awardee Guru Srimati Sujata Mahapatra, group name Guru Kirti, representing Orissa Raurkela. Tari jom, 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 tari
Tarita
ये प्रस्तुति ऐसी है कि इस पे ये तालियां लगातार बजती रहें जब तक कि ये वापस पहुंचे, और हम चाहेंगे कि फिर तुरंत फिर एक और इनका जो प्रस्तुति है सेमी क्लासिकल नृत्य की वो एक बार फिर देखें। लेकिन उससे पूर्व आइए एक बार फिर छोटी कुमारी पलक को आमंत्रित कीजिए एक बहुत खूबसूरत सा नृत्य लेकर के हमारे बीच में आ रही है कुमारी पलक। अंबरनाथ आइए, तालियों से बुलाना पड़ता है इनको। चाहे तू
उस हाल में रह लूंगा जिस हाल में जागे तू। तेरे हाथ ये डोरी है प्रभु, गम कट पुतली है, तेरे बिन जीवन मेरा जैसे जल बिन मछली है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सावरे तू वादा कर, कुछ कर नहीं पाऊंगा। गए रूठ गया जो तू तो मैं मर जाऊंगा। तेरे साथ बिना प्यारे कुछ कर नहीं पाऊंगा। गए रूठ गया जो तू तो मैं मर जाऊंगा। तेरे साथ बिना प्यारे कुछ कर नहीं पाऊंगा। घर रूठ गया जो तू तो मैं मर जाऊंगा। मेरे जीवन की बाबा इतनी सी हकीकत है, सांसों से भी ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सावरे तू वादा कर, शबनम की ये वो बूंद नहीं जो पत्ती पे दम तोड़ दे, शबनम की ये वो एक बूंद नहीं जो पत्ती पे दम तोड़ दे, ये वो वेग है जो राह का हर दरख्त उड़ा ले जाएंगे। ये तो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस राह पे चल जाएंगे एक राह बनाते जाएंगे। बजाओ ताली। बहुत ही सुंदर नृत्य किया कुमारी पलक ने। अब एक एडिक्शन जो बहुत ज्यादा हो चुका है, यहां भी होगा, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, और उधर भी एक लाइट आ रही है, एक पीछे भी आ रही है, समझ गए होंगे, उधर भी जल रही है एक लाइट। आप कुछ भी करते हैं लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते। आखिर क्या है वो, क्या है वो? है सबके पास मोबाइल? तो भाई मोबाइल डी एडिक्शन ड्रामा लेकर के आ रही है हमारे बीच में। फिर से आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, कुमारी जया, फिर से अंबरनाथ से मुंबई घाटकोपर सब जोन। गुड मॉर्निंग। 19/20 अपर्णा, 20/20 विशाल, 18/20 ओके, आप सबको मार्क्स मिल गए, लेकिन मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि इस बार भी दिशा ही फर्स्ट आएगी, लेकिन इस बार अपर्णा के मार्क्स दिशा से काफी अच्छे आए हैं, यानी कि अपर्णा क्लास की टॉपर है। वेल डन अपर्णा। अरे वाह बेटा, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए
इस चीज के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू पापा। वैसे तो आप देना क्या चाहते हो? मोबाइल। मोबाइल? ओ माय गॉड, मेरा सपना। आप कितना ख्याल रखते हो पापा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे भी ना ऐसे अच्छे मार्क्स लाया करूंगी। हेलो, हाय, कैसी है यार? पता है नई नई ट्रेंड्स निकली हुई है, चलना है मॉल पे? चलना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सुनना, मोबाइल में एक नया ऐप आया है, तुमने डाउनलोड किया है क्या? मुझे तो बड़ा मजा आया। क्या गेम था यार, पूरा समय तो मेरा उसने ले ही लिया और मैं बिजी हो गई इस गेम में ही। बेटा जरा वो चीज देना। बस पापा, दो मिनट ना। रुको ना, कितना काम देते रहते हो आप। बोलिए व्हाट्सएप भगवान की जय। ओम गुरुर व्हाट्सएप, गुरुर फेसबुक, गुरुर देवो गूगल, यूट्यूब साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री मोबाइल नमः। ओम जय व्हाट्सएप देवा, स्वामी जय व्हाट्सएप देवा, तुम्हारे कारण भूले, तुम्हारे कारण भूले, मात पिता की सेवा, ओम जय व्हाट्सएप देवा। अरे देखो तो इसे, जब से इसके हाथ में मोबाइल आ चुका है तब से बात करना तो दूर, हमारी तरफ तो देखती भी नहीं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मैडम के हाथ में मोबाइल जो आ गया है, ज्यादा ही उड़ने लगी है, और नहीं तो क्या। मैंने तुझे व्हाट्सएप किया, देख तुझको मैंने याद किया, गाना गा के इज्जत दिया, तूने फिर फॉरवर्ड किया, सेकंड हैंड मैसेज भेजना अब तो बस कर, बढ़िया सा कोई बक बक खुद से टाइप कर। जब भी मैंने दस दस बार तुझको व्हाट्सएप किया, तूने वेट वेट बोल के हर बार खिसक लिया, तेरे हाथों से मोबाइल गिर के बने कूड़ा, और तेरे उंगलियों को काट जाए कीड़ा। बोलो कैसे व्हाट्सएप करोगे तुम दिन भर, तेरे सारे हैंडसेट मैं पटक दूं अगर। मैंने तुझे व्हाट्सएप किया, ब्लू वाला टिक भी हुआ, रिप्लाई देने से तू चुका, ये तो बस बहुत हुआ। मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, कोई फायदा ना हुआ, तुझको फिर से व्हाट्सएप किया, तूने मुझे शटअप किया। काय शटअप, कितनी बार व्हाट्सएप करूं, एक जवाब नहीं दे सकते हो क्या तुम? हैं, दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, जब भी देखूं तुम ऑनलाइन रहते हो फिर भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं करते हो, कोई मतलब है क्या? I will complain to WhatsApp company. You are not using WhatsApp properly. You reply everybody and you are not replying to me. And stop sending me forwards, okay? इस मोबाइल की वजह से मैंने क्या क्या खो दिया, फ्रेंड्स भी, मार्क्स भी, सम्मान भी, अब और क्या क्या होने वाला है? ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं बन गया दोस्तों, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथों की घड़ी खा गया, ये टॉर्च खा गया, चिट्ठी पत्रियां भी खा गया, और तो और किताबें भी खा गया, रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, पड़ोस की दोस्ती तक खा गया, मेल मिलाप खा गया, हमारा वक्त भी खा गया, पैसा खा गया, रिश्ते खा गया। कमबख्त इतना सब कुछ खाकर तो स्मार्ट बना है, बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है, आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। जब तक फोन वायर से बंधा था इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हो गया है इंसान फोन से बंध गया है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबान पे निभाने का ये वक्त ही कहां रहा। सब टच में बिजी हैं, पर टच में कोई भी नहीं है।
आज मोबाइल के हम इतने आदीन हो गए हैं कि एक बार खाना नहीं होगा तो चल सकता है, लेकिन मोबाइल साथ में ना हो तो नहीं चलता। और कभी कभी तो रेंज नहीं होने पर तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। भाई साहब, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, बदतर नहीं। टेक्नोलॉजी जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है, बेहाल बनाने के लिए नहीं है। सुना था जीवन का फंडा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और आज हाई फाई मोबाइल लिविंग एंड नो थिंकिंग हो गया है। मैं जानता हूँ मोबाइल आवश्यक है, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही उसका उपयोग करें। सुना है आगे चल के ऐसा भी आएगा कि कोई साधन मोबाइल आदि काम नहीं आएंगे, तब सिर्फ टेलीपैथी ही काम आएगी, यानी आपकी अपनी साधना ही। तो अब मोबाइल का यूज़ तब करें जब आवश्यक हो, बाकी टाइम में आप साधना करें, योग करें, जो आपके साथ हमेशा रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनमें साइंटिस्ट, विचारक और साहित्यकार भी हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करते हुए भी इंसानियत के साथ सामान्य सिंपल जीवन जिए हैं, और शायद वो आपको इस गीत के साथ कुछ याद आ जाए। अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से देखिए, एक चीज़ ने हमें किस कदर गुलाम बनाया, हमारा क्या क्या खा गया, क्या क्या खा गया। ये तो बड़ी भारी लिस्ट थी, कभी इस पर चिंतन नहीं किया, परंतु ये सत्य है कि जीवन की बहुत सारी चीज़ें खा गया। घड़ी खा गया, कैलेंडर खा गया, टीवी भी कई लोगों के खा गया है। सबसे कीमती चीज़ जो खा गया, चैन, शांति, नींद खा गया। मेरा ख्याल है रात को कब तक दूर बैठे लोगों के हम संदेश सुनने और बताने में टाइम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन आसपास के हमारे जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ कई दफ़ा हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका बताया है कि हम किस तरह से इनसे निकले। थैंक यू सो मच कुमारी जया। अब मैं आपके बीच में एक और कलाकार को आमंत्रित करूँगा, श्री भीखा भाई जी, जो कापड़गंज गुजरात से हैं, मोनो एक्टिंग लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जरा तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। आज हमारी जो मीटिंग हो रही है वो रिसर्च की हो रही है, तो मैंने भी कुछ अपने हिसाब से कुछ रिसर्च किया। तो रिसर्च में बहुत सारी मुझे कुछ गैप देखने को मिली। कौन सी गैप देखने की? मैं गुजरात से हूँ तो मैं बहुत सारी कथाएँ अटेंड किया है, मीटिंग्स अटेंड किया है, और सब में मैंने जो गैप ढूंढा वो क्या है, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होती है, कभी कभी मैसेज गैप होती है, कभी कभी भेजा गैप होती है, कभी कभी रेसिपी गैप होती है। तो मेरा एक दोस्त आया था अमेरिका से दोस्त आया, और आकर उन्होंने इंडिया में एक रेसिपी देखी मेरे गुजरात में, इसको जलेबी बोलते हैं। वो जलेबी बना की रेसिपी देख कर वो गया, बहुत टेस्टी था, इनको मज़ा आ गया। वो गया और वहाँ जाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर दिया कि आई एम गोइंग टू सर्व वन ऑफ गुजराती रेसिपी जलेबी। तो जलेबी नहीं याद रहा, लेकिन उनको याद रहा कि राउंड राउंड एंड फुल स्टॉप।
वहाँ गए, मुझे भी इनविटेशन दिया कि बहुत सारे लोगों को बुलाया है मैंने, आप भी आओ और बहुत सारे लोग आपके गुजरात की वानगी को पसंद करेंगे। वहाँ गया, मैं गया, सबको इकट्ठा किया, करीब करीब 10,000 लोग थे, सब वेट कर रहे थे कि वो जलेबी कब आएगी, जलेबी कब आएगी। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट ही नहीं आई। फिर देखने लगा, मैं देखने लगा क्या हुआ। फिर 10 मिनट से 15-20 मिनट हो गई तो भी जलेबी नहीं आई। फिर देखा मैंने, मैंने खुद जाकर देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो कि जलेबी नहीं बन रही है। तो क्यों नहीं बन रही है? तो मैंने देखा था कि सब कुछ, जो आटा बनाया था ठीक था, वो कपड़ा ठीक था, वो लोटा था ठीक था, सब कुछ था, जो तेल डाला था वो ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो मैंने बोला, कोट पहना था वो बनाने के लिए, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? तो बोला, भाई ये जलेबी बन नहीं रही है, तो क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ तो सही। तो वो बना रहा था, क्योंकि वो अकेला जानता था और मैं जानता था, वो बना रहा था तो क्या गैप थी। वो जलेबी बना रहा था ना, तो जलेबी कैसे बना जाएगी? लोटे में आटा डालकर, खीरा डालकर जलेबी ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो वो उन्हों की कुछ गैप हो गई थी। वो जलेबी कैसे बना रहा था? वो जलेबी का लोटा लेकर ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहा था। अब दूसरी एक बात, मैं यहाँ बहुत सारी मीटिंगों में अटेंड किया और मीटिंग से मैंने बहुत सारे देखा, तो दूसरी एक गैप देखी। क्या देखी? वो आप खुद जज करना, क्या गैप देखी वो खुद आप देखना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जैसे कि देखा है हमने कि चार्ली चैपलिन का मूवी देखता है तो मोनो एक्टिंग होता है, मोन मोक्टिंग होता है, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि किसी को एक दफ़ा थप्पड़ मार दिया ना तो हमें समझ में नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा मार दिया ना तो भी नहीं आएगा, तीसरी दफ़ा जब चार्ली चैपलिन थप्पड़ लगाए तब जाकर समझ में आएगा, तब जाएंगे हंसेंगे। ऐसे हंसते हैं ना। आप देखना, आप सबका दर्शन करना है इसमें, आपको लागू हो तो ठीक, नहीं लागू हो तो कोई चीज़ नहीं। ओम शांति। में जाता हूँ।
मतलब तालियां अपने ऊपर बज रहे हैं, वाह सुंदर, बहुत बढ़िया भीखा भाई, मजा आ गया। कुछ चीजें अपने बारे में देखने के लिए जब मिलती है तो फिर अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। आइए एक बार फिर एक बहुत सुंदर फ्यूजन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी जया और त्रिवेणी को, जो एक फ्यूजन लेकर के आ रहे हैं, हिप हॉप फ्यूजन। जरा तालियों से तो उनका स्वागत कीजिए। ये फ्यूजन आखिर में कंफ्यूजन कर रहा था कि पूरा हो गया कि अभी कुछ और निकलेगा इसमें से। खैर मजा आया एक बार फिर आपके बीच में, उत्कल प्रदेश की वही देवियां आपके बीच आ रही हैं, सेमी क्लासिकल ग्रुप डांस लेकर घर मोरे परदेसिया, कुमारी देवश्री, कुमारी प्रशांति, कुमारी अंकिता, कुमारी सौम्या, कुमारी रीमा, नाम काफी सारे हैं, देखते हैं सब कितने पहुंचते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए जरा उनका। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। Now
इसको कहेंगे मंच भंजन नृत्य प्रदर्शनम, नहीं क्या? ताली बजाओ फिर, कमाल का आपने नृत्य किया है। कहाँ जाता है, उत्कल प्रदेश यानी उड़ीसा कलाकारों की भूमि है और वहाँ कला बिखरी रहती है, और अब यहाँ राजस्थान में देख करके तो वाकई मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? भरपूर मज़ा आ रहा है। इस मज़े में चार चांद लगाने के लिए मैं आप ही के बीच से आमंत्रित करूँगा डॉक्टर पी टी चौधरी साहब को। प्रोफेसर साहब आएंगे और कुछ हमें हंसाएंगे। तालियों से ज़रा स्वागत कीजिए। ओम शांति। इट हैज़ बीन प्रूव दैट वी रिसर्चर्स आर वेरी वेरी कंजूस इन तालिया, or otherwise prove it that this hypothesis is rejected. Dosto, kaliya achhi lage isliye phool achha lage isliye kaliya zaruri hai, phool achhe lage isliye kaliya zaruri hai, neta bande ke liye galiya zaruri hai, kaan achhe lage isliye baliya zaruri hai, aur sasural achha lage isliye saliya zaruri hai, और प्रोग्राम अच्छा लगे इसलिए तालियां जरूरी है। तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर से मैसेज आना शुरू हो जाए, और जोर से तालियां होनी चाहिए मेरे लिए नहीं, लेकिन जो बाद में आने वाले हैं उन कलाकारों के लिए। दोस्तों, हाल ही में मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन आदमी मिला। मैंने उसको कहा कि मेरा भारत महान है। उसने कहा कि भाई आईटी में आपका क्या योगदान है ये बताओ, वरना हमारा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा कि भाई आईटी ये तो भारत की ही देन है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा भाई हमारे देश में एक आदमी था जो नारायण नारायण करता था और तीनों लोगों में बगैर हेलीकॉप्टर संचार करता था, नाम था उसका नारद, और यही आईटी का उद्गाता था। हमारे देश में एक आदमी था जो तीनों लोगों में बगैर हेलीकॉप्टर संचार करता था और तीनों लोगों को आंखों देखा हाल सुनाता था, नाम था उसका नारद, और वही आईटी का उद्गाता था। उसके पास सभी देवी देवताओं के ईमेल एड्रेसेस थे, उनके पास सभी देवी देवताओं के ईमेल एड्रेसेस थे, जैसे कि भगवान विष्णु नारायण gmail.com। और हमारे भारत देश में दूसरा एक आईटी मैन हुआ जिसका नाम था संजय, जिसने महाभारत में उन अंधों को बगैर दूरदर्शन युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। इसलिए आईटी का उद्गाता भारत ही था। मैंने कहा भाई अमेरिकन भाई, क्या आपने अमेरिका ने ऐसा कोई काम किया? अमेरिकन आदमी ने कहा भाई हमने पूरी दुनिया को आईटी के नाम पे बेवकूफ बनाया। धन्यवाद सर। कमाल किया है आपने, कमाल तो क्या धमाल किया है, सारी हमारी तालियों का स्टॉक आप ले गए। अभी मैं आने वालों को क्या दूंगा, लेकिन ये अच्छा है कि आप ये बता गए कि ये उन्हीं के लिए है। थैंक यू सो मच। एक डेढ़ मिनट की प्रस्तुति के लिए एक बालिका बहुत विवल है, अगर आप तालियों से उसका मनोबल बढ़ा दें तो मैं बुलाना चाहूंगा प्राची पंकज छपरा बिहार से, पल्लू लटके। No.
अभी एक बार फिर आपके बीच में वही राहुल केला उड़ीसा के कलाकार पधार रहे हैं एक और बहुत सुंदर सेमी क्लासिकल डांस लेकर। आसपास है खुदा, कुमारी प्रशांति और कुमारी सौम्या। कीजिए तालियों का उत्सव। झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, पास है खुदा। तू
अति सुंदर, अति विशेषम, बहुत ही प्यारा नृत्य किया बहनों ने, मजा आया। आसपास है खुदा, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, फिर वो ही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो आइए अब पंजाब की धरती पर एक दफा मैं आपको ले चलता हूं, कुछ क्षण और बैठ जाए, लगभग आखिरी मकाम पर हम हैं, इसके बाद मात्र एक प्रस्तुति है। तो आइए पंजाब के भंगड़े को आमंत्रित कीजिए, दिलीप भाई और उनकी पार्टी को जोरदार तालियों के साथ। हृदय में उमंग उठे तो नृत्य करने के लिए आप यहाँ आगे के हिस्से में अवश्य आ सकते हैं, मजा बहुत आएगा, बहुत बढ़िया भंगड़ा होगा। तो जिनका भी दिल हो वो दिल को अपने दबाए ना और सामने आने में संकोच न करें। आपकी तो तरफ का है, एक तो है कम से कम हमारे पास असली, बाकी तो सब ऐसे ही है डुप्लीकेट। वसदाई रब जित खुश होन सब, बोली अपनी ते अपना वीर साहब।
बात है। धीरे धीरे खुलता है। अब इनके लिए तालियां बजाइए जरा, जो आखिर में उठ के आए हैं। संगीत के साथ तालियां बजाना आप। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, 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 कुछ लेके जाएंगे कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। बजाइए तालियां भरपूर। अगर पैरों से नहीं नाच सकते तो हाथों से नाचिए। ये मेला तो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला तो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुकेंगे कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुकेंगे कैसे रोक के जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे कुछ लेके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी सवेरे वाली। बजाओ ताली। हाहा, आखिर वाले भी, सबसे आखिर जो बैठे हैं। बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात। मिलो तो मिलो प्यार से, बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात मुलाकात। हाय मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खोके जाएंगे, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खोके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी हो सवेरे वाली। कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे कहानी, कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे निशानी, कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे कहानी, कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे तो जोड़ जाएंगे। बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाले।
ताली हो हो सवेरे वाली, सभी की तालियां आखिरी है। ओहो ओ सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, थैंक यू सो मच सभी कलाकारों का और हमारे चलचित्र चलाने वाले हमारे सभी वीडियोग्राफर्स, साउंड से देने वाले हमारे अजीज दोस्त ऊपर बैठे हुए सब देखते रहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है और लाइट इधर से आ रही है। प्रणाम प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का साहब उपस्थित रहे यहाँ पर। हिंदी में चलते चलते सुना देता हूँ, किसी ने मुझे कहा एक दफ़ा कि भाई साहब आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, हमें कुछ शब्द सिखाइए, हम अपनी श्रीमती जी को बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई श्रीमती जी को अगर प्यार से कुछ बोलना हो तो प्रियतमा बोलना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, सीख लिया उन्होंने, काफ़ी बात रटा। लेकिन जब सामने वो आई और उनको प्यार से बुलाने का नाम आया तो प्रियतमा की वजह वो प्रेतात्मा कह गए, तो डंडे उनको पड़े, गालियाँ मुझे मिली। इसलिए हिंदी के बड़े ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करने की आवश्यकता है।